भी और आपका स्टूडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है जूनियर कॉलेज आकाश गुप्ता स्टैंड अप कॉमेडी क्राउड वर्क। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो को चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर को फॉलो करें, इनके चैनल को उसका लग मैं ब्लॉग चैनल का लिंक और स्ट्रीम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। यार ये बारिश शुरू हो गई क्या? यार बारिश हो गई, पिछले शो में भी ऐसे हुआ था। हम शो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, आपको पता है? लग रहा है आवाज़ आ रही है। जैसे ही वो बेटा आया जो वीडियो यूट्यूब पे डालने, उसी पे बारिश पड़ गई। जोर से हो रही है क्या? नहीं आ रहा है क्या साउंड? काफी आ रहा है क्या? चलो फिर बकचोदी करते हैं, फिर थोड़ा रुकने देंगे बारिश। और सुना भाई, क्या हाल है? वो कह रहा है हाल है, मरवाने आए हूँ क्या मैं यहाँ? बहुत सही है, तुम दोनों काफी यंग लग रहे हो। वैसे स्कूल में हो? कॉलेज फर्स्ट ईयर? सेकेंड ईयर। साथ ही बोलते हो क्या सब कुछ? जोड़ी है क्या तुम्हारी? टिंगू मिंगू क्या नाम है? गौरव। गौरव तुम्हारा? भव्य। एक सेकेंड, कौन से कॉलेज में? जैन। सेम हिंदुजा? अच्छा ये मुझे नहीं पता, जैन है वहाँ। हाँ सो कौन सा बेटर है? तू बोलने वाला था ना तेरा कॉलेज क्या ना? यार ये मेरे को चरस ला के देता है यार, इसके खिलाफ कैसे बोल दूँ? क्या पढ़ रहे हो? अच्छा मतलब बी कॉम? नहीं अच्छा, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बी कॉम बोलते हैं, यहाँ लोग कॉमर्स बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आता उसका मतलब। लाइक व्हाट इज योर डिग्री कॉल्ड? दैट इज आफ्टर 12th। अभी तो यू आर इन 12th, तो जब मैंने बोला स्कूल में है, 12th में कॉलेज, बड़ा आया अमेरिका साला, हाई स्कूल साला, बोर्ड दिए नहीं है अभी, बेल्टें पड़ती होंगी इसको। आई एम इन कॉलेज। अच्छा तो अभी तुम स्कूल में हो यार? ये कॉलेज नहीं होता प्लीज, ये मुंबई में ही होता ना जो 11th 12th को कॉलेज। और इसको क्या बोलते हैं? हाई क्या बोलते हैं? जूनियर कॉलेज। और नॉर्मल कॉलेज को सीनियर कॉलेज या सिर्फ कॉलेज? डिग्री कॉलेज। अच्छा अच्छा सही है यार, ये काफ़ी वियर्ड चीज़ है। हमारे वहाँ बोलते हैं +1 +2, वो भी बहुत वियर्ड है। आई एम लाइक कोई 11th 12th बोल के ख़त्म करो ना यार बकचोदी। सही है। और कौन है यहाँ पे स्कूल से? सॉरी कॉलेज से। आप कॉलेज से हैं? कौन सा? +1? अच्छा और कॉमर्स? साइंस। साइंस नाइस। विच कॉलेज? नलिनी डोडे। अच्छा मेरे को नहीं पता। आप इनके साथ हैं? आप मम्मी हैं इनकी? ओह माय गॉड। ऐसे ऑकवर्ड क्यों हो गए यार? कॉन्डम ही तो बोला है। कॉन्डम ही तो बोला है। नमस्ते आंटी। वो मैं नहीं करता हूँ वो सब जो मैंने अभी किया था। बस मैंने फोल यार मम्मी को लेके फर्स्ट रो में कौन बैठते हैं? मॉम डैड। माय गॉड। और कोई होने वाला दमाद आपको कुछ आया है? सर आप रिलैक्स हो जाओ, बैग नीचे रख दो आप। हाँ नहीं नहीं रिलैक्स हो जाओ आप। एक तो मर्द लोग ना ऐसे हुक्कड़ बन के शो देखते हैं ना। अबे हो जाओ रिलैक्स यार। करो आप ही, मैं तब से देख रहा हूँ ऐसे बैठा हुआ। एक तो इतनी टाइट निकल पहन के आ गए आप। अब वो भी कॉन्शियस होंगे। हाँ यार क्या हुआ? सरोजनी का ट्राई नहीं किया था तो जबरदस्ती था पहनना क्या? आज तो घुसा के रहूंगा। कोई यहाँ पे ऐसा काम कर रहा है जिंदगी में जो उसने सोचा था बचपन में? एक तो तुम बचपन में तो आ गए हो यहाँ पे, तुमसे बात किसी ने सोचा था वो आज लाइफ में वही कर रहा है या कर रही है? कोई कोई भी नहीं। आप आपने क्या सोचा था मैम? आपने बचपन में सोच लिया था लाइक एकदम फर्स्ट सेकेंड में? जूनियर कॉलेज। जूनियर का एक और नई टर्म बताई है इन्होंने मुझे आज। हाँ जूनियर सीनियर।
जूनियर सीनियर ये कौन से? ये क्या विलोम शब्द खेल रहा है मेरे साथ? जूनियर सीनियर कौन सा है डिसाइड कर रहा हूँ ना? प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी, हे भगवान आप स्टैंडर्ड का नाम ले लो ना यार, थर्ड क्लास फोर्थ क्लास टर्म ही बनाए जा रहे हैं यार। कौन सी क्लास थी वो जो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे टीचर बनना है? नर्सरी आफ्टरवर्ड जूनियर देन सीनियर। सो मतलब केजी के नर्सरी केजी फर्स्ट अपर केजी आपके यहां पे अपर केजी भी नहीं होता सर हमारे यहां। यार दिल्ली में कुछ और ही चल रहा है मेरे को लग रहा है, हमें ऐसे ही पढ़ा दे रहे हैं चूतिया से बना के। यहाँ देखो यहाँ केजी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, जो केजी के बच्चों को ही ना बोला जाए। कहाँ जूनियर सीनियर। इतने बचपन में आपने डिसाइड किया आप टीचर बनना चाहते हैं, थोड़ा चांस देते ना? और मतलब मेरे को लग रहा है आपने टीचर को देखा आपने कहा यही बनना, थोड़ा एक्सप्लोर करते ना। तो आप क्या पढ़ाते हो? आई मीन प्राइमरी सेक्शन। You're in primary section. Guys, ab rest of the show, nobody will use primary, secondary, junior, college and senior. Ye words ko use nahi karega. Ab hum layman language mein baat karenge. Kis kaksha ko padhati hain aap? Dusri kaksha, bahut acha ja raha hai. Aur kya subject hai unka? Mother teacher. Mother teacher. SST, Maths, माँ अध्यापिका, सबकी मदर टीचर होती है, पर आपने तो सब्जेक्ट ही बना दिया। मदर टीचर में मतलब आप सब पढ़ाते हैं? मतलब आप क्लास टीचर भी हो, आप अटेंडेंस भी लेते हो, मारते वारते भी हो। तो यार ये कैसा फील होता है कि जब आपके घर पे भी टीचर है और स्कूल में भी एक टीचर है? She used to work in this school. Oh man. मेरे को तो लग रहा है तू शो देखना भी नहीं चाहती थी, यही खींच के लाई है। चलो एक्स्ट्रा करिकुलर करने। भाई आज के स्टैंड अप कॉमेडी में पता चला कि भाई इतनी ज़्यादा टर्म्स होती हैं। वैसे हमारे यहाँ पे तो 11वीं 12वीं को कॉलेज ही कहा जाता है, और अगर हम कहें यार तुम तो भी स्कूल में हो, अगला बंदा कहे कॉलेज स्कूल में, मैं कॉलेज में जाता हूँ। अच्छा वैसे मुझे ना आकाश गुप्ता की स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है। लाइक जब भी हमने इनके डिफरेंट डिफरेंट यू नो क्राउड वर्क या स्टैंड अप कॉमेडी देखी है, आपको यू नो वाकई में एक्चुअली आप हंसी आती हो और रिलेट कर पाते हो चीज़ों को आप। बट मुझे ना क्राउड वर्क में एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, और वो ये कि जिस तरीके से लोगों के साथ इंगेज होकर और ऑन द स्पॉट वो एक सिचुएशन बनाकर आप उनको जवाब देते हो ना, मतलब इसके लिए वाकई में कहते हैं ना कि आपको बहुत तालियां होती हैं ऐसी चीजों के लिए, हाजिर जवाबी पर, हाजिर दिमागी पर। हाँ एग्जैक्टली, मतलब देखो वो बात कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है कि अगला बंदा क्या बात करेगा, और आपने उस पर ऐसा कोई जोक बना देना, मुझे लगता है ये काफी। लेकिन वैसे अगर आज की स्टैंड अप कॉमेडी में बात करें ना, आज ऑडियंस भी काफी ज्यादा हाजिर दिमाग आपको लग रही थी। आपने ऑडियंस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल, स्टार्टिंग में जब गौरव और साथ जो एक और थे उनसे जब सवाल कर रहे थे पटली सेट से किसी लड़की की, इतनी जीव हंसी की आवाज आई थी, आपने नोट की थी? वो तुम ही कर सकते थे। उसके बाद जब क्या नाम लेते हैं वो, उन्होंने पूछा मदर, उसके बाद जो एक रिवाइंड बैक चला, उसके बाद जो डायलॉग्स आए, मैंने नहीं सीरियसली वर्ड सुना, पता नहीं क्यों। अरे इसमें नहीं वो इसमें था नहीं, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी लंबी होती है तो उसमें कहीं बोला होगा, ठीक है हाँ वो उन्होंने कट करके जो है वो लगाया होगा रिवाइंड के, भाई माँ बाप आए हो तो ऐसे शब्द कौन इस्तेमाल करता है। वैसे आई डोंट नो, अभी तो वैसे सोसाइटी मुझे नहीं पता भाई, मैं वैसे पूछना चाह रही हूँ कि इंडियन सोसाइटी जो है वो मतलब अगर बड़े शहरों की बात करें तो काफी ओपन है इंडियन सोसाइटी, तो क्या मतलब लोग आज भी थोड़ा रिलक्टेंट होते हैं इसके बारे में बात करने के बारे या नहीं? मतलब मैं ये पूछना भाई, हम तो अगर बात करें हम तो बहुत रिलक्टेंट हैं। हाँ पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में आप फैमिलीज में इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप वैसे कर ले बैठ के जो मर्जी सुनते रहे, ठीक ना? सुनते भी रहे, फ्रेंड्स के साथ बात कर लो, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर एक ऐसी आप कह लो कि एक एनवायरनमेंट ऐसा ही है जो के पेरेंट्स के सामने आप बहुत ओपनली हर चीज में भी, इनफैक्ट मैं सिर्फ एक इसी सिचुएशन की बात नहीं करूंगी, बट जैसे हो गया कोई ऐसे सीन आ गए यू नो टीवी पर लगा तो फौरन से, अभी भी हम लोग ऐसा करते हैं कि रिमोट या, या मतलब अगर जैसे मूवी कोई लगी हुई कोई सॉन्ग लगा हुआ तो मतलब अगर अब्बू आ गए तो हम लोग ना चेंज करते हैं, क्योंकि वो बड़ा ऑकवर्ड हम लोग फील करते हैं। माँ बाप इतने फ्रेंडली नहीं है ना,
थिंक कि इसमें फ्रेंडली वाली बात है. सीरियसली बहुत सारे लोग मेरे से शायद अग्री ना करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कल्चर और जो हमारी सोसाइटी और जो बड़ों छोटों का एक लिहाज है ना, हाँ. वो मुझे लगता है कि अच्छा लगता है. इसमें ये नहीं हो जाता कि आप बड़े बैकवर्ड हैं या आप ओपन नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सारी चीजें सबको पता है, जरूरी नहीं है कि आप खोल खोल कर ही बात करो तो ही हर चीज होगी. जहां पर जरूरत है वहां पर बात करनी चाहिए, और जहां पर जरूरत नहीं है मुझे नहीं लगता वहां पर बात करनी चाहिए. इनफैक्ट हमारी फैमिली में कुछ लोग, मतलब कुछ फैमिली इस तरह की है जो कि बहुत ओपन और बहुत बोल्ड डिस्कशन करते हैं. मतलब पेरेंट्स, बच्चे, दादा दादी, नाना नानी, हाँ. सारे इतने बोल्ड हैं कि आप जब उनकी मजा आता है वैसे ऐसी फैमिलीज में यार. हाँ, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं होता कि आप जवाब दे सके. नहीं, उस फैमिली का पार्ट होने का मजा आता होगा. ठीक है, बट मैं खुश हूँ जैसी भी फैमिली में हूँ, मुझे ऐसी फैमिली में मजा आता है. लेकिन ये कि हाँ, मुझे लगता है स्टैंड अप कॉमेडी का भी अपना एक मजा आता है, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी में एक तो मतलब इतनी सारे लोगों के साथ बैठकर जब आप देखते हो तो मुझे लगता है कुछ टाइम के लिए तो आपका दिमाग जो है ना वो वाकई में फ्रेश हो जाता है. मैं कहता हूँ कि आप जब वहां पे जाते होंगे ना तो हंसी खुशी जो है वो बाहर आते होंगे, तो आप जो है ना फिर बाहर आके जो आप पे जोक्स क्रैक हुए होते होंगे ना, आप जब उस पे हंसते होंगे ना, वो फिर एक अलग मजा आता है. एक और चीज मुझे ये लगता है मौसम की ना, देखो पहले मुझे वैसे स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में नहीं पता था जब तक हम लोगों ने वीडियोज देखना शुरू नहीं की थी. अब बहुत सारे लोग ईमान को कुछ भी नहीं पता था, और सच है मुझे बहुत सारी चीजों का नहीं पता होता था, अब तो बहुत सारी चीजों का आइडिया हो गया. सो मुझे लगता है कि ये ना डिफरेंट जो ऑडियंस है उसकी कैटेगरी के लिहाज से आप स्टैंड अप कॉमेडी अगर आप देखे तो जो स्टेज ड्रामे होते हैं वो भी तो स्टैंड अप कॉमेडी होती है ना. स्टैंड अप कॉमेडी होती है, बड़ी मजे की होती है, और वो भी ऐसे जुगते मारते हैं. ठीक है, वो एग्जैक्टली वो देखो अडल्ट तो हमें इसमें भी सुनने को मिलती है, बट क्या है कि ये थोड़ा सा यू नो वो पॉलिश करके और थोड़ा सा फैंसी टाइप का हम लोगों को दिखाया जाता है. बिल्कुल नंगी जुगते होती है, बट वैसे वो बहुत कम लोगों को समझ आती है मुझे ऐसा लगता है. नहीं आती वैसे, मैं देखती भी नहीं हूँ तो इसलिए मुझे वैसे शौक भी नहीं है. लेकिन मैं एक बात सोच रही थी कि अगर देखा जाए तो ये एक जो मतलब स्टाइल है बड़ी देर से स्टार्ट हुआ हुआ है, बट ये कि टर्म्स जो है वो चेंज होती गई है, हाँ. और जो व्यूअरशिप है लोग है वो चेंज होते. बिल्कुल ऐसे ही है. बाकी भाई आप जरूर बताइए जूनियर कॉलेज में कौन कौन है, और जब आप जूनियर कॉलेज में थे तो कोई जूनियर सीनियर में कौन है, सीनियर कौन है. बोलो मैंने इतनी टर्म्स जो है ना अपनी लाइफ में कभी भी नहीं इस्तेमाल, मैंने भी नहीं सुनी, तो इस वजह से मुझे भी काफी डिफरेंट लगा. लेकिन एक चीज मुझे जो है ना वो सिमिलर लगी है दिल्ली और लाहौर की, कि मतलब जो जैसे वो बोल रहे थे ना आकाश, तो इसका मतलब ये है कि जो टर्म दिल्ली में इस्तेमाल की जाती है ना वही लाहौर में इस्तेमाल की जाती है, पंजाब में यहाँ पर. हाँ एग्जैक्टली, तो लाहौर पंजाब में ही है और कहाँ पर, मैं बाकी शहरों की बात कर रहा ना, सेम सिस्टम है. सो गाइस आप जरूर बताइएगा कि आप भी सारी टर्म्स ये वाली यूज करते हैं और क्या, या फिर मतलब आप भी सीधा सीधा बोलते हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इस तरह से. वैसे ना मैं एक बात और बोलती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा ना ओवर एफिशिएंट बनने के लिए ना ऐसे ऐसी चीजें और ऐसे टर्म्स बोलते हैं कि वो बताना चाहते हैं कि भाई हम बड़े एफिशिएंट हैं, बहुत ज्यादा एफिशिएंट, अगले बंदे को कुछ भी नहीं आता, अगला बंदा नल्ला है. हाँ मैंने हकीकत है लोग इतनी तरह करते हैं. हाँ, और भाई मतलब ऐसे मैंने लाइव एग्जांपल देखी नहीं, आप जरूर बताइएगा आपके साथ कभी ऐसा होता हो तो जरूर बताइएगा, क्योंकि वैसे बहुत सारी इंडियंस की इंग्लिश तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ लोगों की और ज्यादा अच्छी होती है. तो कभी किसी ने इस तरह से आपके साथ किया हो कि यू नो आप लोगों को थोड़ा डाउन फील करवाने के लिए ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स बोले हो कि भाई इसको समझ में ना आए, तो वो वाला कोई एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा. और इसी के साथ लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय.